हेलो फ्रेंड्स, मैथ भाई सर मिश्रा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, थंबनेल में दिख रहा होगा आपको कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना जोन के बारे में, कि पटना जोन की लेवल 2 की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं हम। ट्रेन क्लर्क साथ ही साथ नॉन टाइपिंग और टाइपिंग दोनों पोस्टों की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, क्या हो रहा था कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे आपके जैसे एक्सपीरियंस थे, उनके मेरे पास मैसेज आ रहे थे, पर्सनल मैसेज आ रहे थे, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर पटना जोन के बारे में कोई भी रेप्यूटेड यूट्यूबर जो भी सर लोग हैं वो लोग कट ऑफ पे वीडियो नहीं बना रहे, पता नहीं क्यों बनाना नहीं चाह रहे। वो तमाम चीज़ें आप स्टडी करिए, आप डाटा को एनालाइज करिए, आप बताइए अपने हिसाब से, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मेरा इलाहाबाद का बनाया हुआ कट ऑफ प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट था, साथ ही साथ मेरा लेवल 5 का भी अभी तक एक्यूरेट चल रहा है और अच्छे चैनलों के कट ऑफ की तुलना में मेरा उनसे काफ़ी मैच कर रहा है कट ऑफ, ठीक है, मैंने बताया भी था आप लोग को। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पटना जोन की नॉन टाइपिंग और टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ट्रेन क्लर्क के बारे में जिक्र न करते हुए हम लोग नीचे थोड़ा जाते हैं साइड में और हम लोग बात करते हैं टाइपिंग पोस्ट के बारे में, जो पोस्ट टाइपिंग की पोस्ट हैं उनके बारे में। तो आपको पता होगा टाइपिंग की दो पोस्ट हैं, दोनों पोस्टों को मिलाकर केवल 81 वैकेंसी है, जहां इलाहाबाद में 600 वैकेंसी है वहां पटना में 81 वैकेंसी है। तो आप लोग अभी बात करते हैं और साथ ही साथ ही खाली पटना जोन के स्टूडेंट मत देखें ये वीडियो, सारे जोन के स्टूडेंट देखें, ये आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस पर हम लोग बात करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से कट ऑफ वैकेंसी पर डिपेंड करती है और साथ ही साथ लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करती है डायरेक्टली किस तरह से कट ऑफ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में थोड़ा पीछे लेके चलना चाहता हूँ, कहने का मतलब है कि मैं बात करना चाहता हूँ लेवल 6 के बारे में। तो लेवल 6 में स्टेशन मास्टर की पोस्ट थी 155, ठीक है, और 155 का 8 गुना बुलाया गया, यानी कि करीबन 1200 बच्चों को बुलाया गया था साइको के लिए, 8 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। हर जगह की कट ऑफ गई थी 72, 75, 76, 77, लेकिन वहीं पटना जोन की बात करें, अगर हम बात करें पटना जोन की कि साइको की कट ऑफ कितनी गई थी, तो वो गई थी 82 और बच्चे थे 1200। आप सबको पता है कि लेवल 6 का पेपर एक टफ पेपर माना गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं था कैसा पैटर्न आएगा। इस पेपर में एवरेज से ऊपर बच्चे जो एवरेज से ऊपर ज्ञान रखते हैं वो 75 क्वेश्चंस, उनके नंबर 75 आ रहे थे, 75, 76, 77, 78 ऐसे करके, लेकिन कहीं ना कहीं कट ऑफ चली गई कितनी, 82। लेवल 6 में 82 लाना इतना आसान बात नहीं था, लेकिन कट ऑफ इतनी चली गई, ठीक है। उस हिसाब से अगर बात करते हैं हम लोग और सारे डाटा को एवरेज मार्क्स को सारा एनालिसिस करने के बाद, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों से बात करने के बावजूद लेवल 6 की कट ऑफ की बात की जाए, तो पहली बात तो लेवल 2 का पेपर जो था पटना बोर्ड का थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट था, ठीक है, और पेपर की तुलना में लेवल 5 और लेवल 3 की तुलना में थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर था लेवल 2 का, इसको भी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कट ऑफ की जब बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, तो अभी देखो अभी कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, अभी आपको 81 का 8 टाइम करोगे, यानी कि 8 और ये 64, ठीक है, 648 कैंडिडेट बुलाए जाने हैं। आपको पता है कि इस टाइम एवरेज से अप स्टूडेंट जो है, एवरेज से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो उनके मार्क्स आ रहे हैं 82, 84, 81 ऐसे करके। आप लोग ऑफेंड मत करिएगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़ने में काफ़ी ठीक ठाक स्थिति में है, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं लेवल 6 में 76, 78, 877 ऐसे अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, या मतलब इन बच्चों का लेवल 6 में 77, 76 मार्क्स था, जो अभी 82, 83, 84 ला रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं बहुत टाइम ना लेते हुए कि कितनी कट ऑफ यूआर की जानी चाहिए सारा डाटा एनालिसिस करने के बाद। तो अभी मेरे हिसाब से कि कुल मिला के जो एवरेज बच्चे जो ला रहे हैं ना, मतलब एवरेज से अब बच्चे जो 82, 83 मार्क्स ला रहे हैं, इनमें कम से कम आप 7 से 8 मार्क्स और ऐड कर दीजिए, जैसा कि आपने 75 में 7-8 मार्क्स ऐड करके 82 का कट ऑफ बनाया था, उस हिसाब से कम यूआर की कट ऑफ टाइपिंग पोस्ट के लिए बुलाई जाएगी। टाइपिंग पोस्ट के लिए 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे और 600 बच्चे केवल बुलाए जाने हैं। तो लेवल 2 का पेपर थोड़ा सा टफ था, तो मेरे हिसाब से पटना जोन की कट ऑफ जो जानी चाहिए वो जानी चाहिए 89 to 93, ठीक है, प्लस माइनस 1 कर सकते हो, प्लस माइनस 1, और वर्स्ट केस सीनरियो में प्लस माइनस 1 कर सकते हो। आप लोग सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, पहली बात तो देखो बहुत सारे लोग अब कह रहे थे कि बड़े बड़े यूट्यूबर क्यों बताना नहीं चाह रहे हैं। देखो कट ऑफ इसलिए बताना नहीं चाह रहा कोई पटना का, क्योंकि वो अब बैड कमेंट नहीं चाहते अपने कमेंट बॉक्स में, अगर वो बनाएंगे कट ऑफ तो कहीं ना कहीं 95 बताएंगे कट ऑफ, 93 बताएंगे, तो 93-95 बताएंगे तो लड़के बैड कमेंट करेंगे। वो कट ऑफ बताते कहाँ का, चेन्नई का, इलाहाबाद का, जहाँ 4000 वैकेंसी है,
जहाँ अजमेर का बता देंगे, 70-75 का डाब बता देंगे, लड़के खुश हो जाएंगे, सब्सक्राइब करके चले जाएंगे। यहाँ पे लड़के सब्सक्राइब करना नहीं पसंद करेंगे, डिसलाइक करेंगे, तमाम चीज़ें होंगी, इस वजह से ये रिस्क लेना नहीं चाहते। यही रीज़न है कि वो कटाप बताते नहीं पटना का, ठीक है। तो ये सब बात में कर लिया कि यूआर की कटाप जाएगी 89 to 93, एक आध नंबर इसमें घटा बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं अपने हिसाब से। ओबीसी की बात करते, यूआर में बहुत अंतर नहीं होने वाला, 86 to 89 के बीच में ओबीसी की जाने वाली है, और EWS की 85 to 88 के आसपास EWS की जाने वाली है, और SC ST वाले अपना EWS से 6 से 7 मार्क्स अपना घटा लेंगे SC ST वाले, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ऑफेंड मत करना, पोस्टें कम हैं, केवल 600 बच्चे बुलाए जाएंगे, नहीं निकलेगी वो लेवल 10 क्लर्क की पोस्ट लेगा, ठीक है, जिनके नंबर अप होंगे। तो अगर ये चूँकि बहुत मुश्किल काम है, 42 केवल 42 स्टूडेंट हैं और कटाप बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक कोशिश करता हूँ मैं, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मुझे सामने जो दिख रहा है मैं उसको बताता हूँ। थोड़ा सा ऑफेंड कर सकते हैं आप, लेकिन ये रियलिटी है, इसको स्वीकारना आपका कर्तव्य है, इसको स्वीकार के ही आगे बढ़ सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं सारे मुद्दों को देखते हुए अगर हम कटाप की बात करते हैं, तो यूआर की जो कटाप जानी चाहिए वो 96+ जाएगी, यूआर की ट्रेन क्लर्क की, ठीक है, ट्रेन क्लर्क की, ठीक है। ओबीसी में आप इसको मान के चलो कि 92+ वाला बच्चा जो भी होगा पटना का, वो ओबीसी के ले लेगा, और ईडब्ल्यूएस का या 90+ वाले जो बच्चे होंगे पटना बोर्ड में, वो ईडब्ल्यूएस की जो है कि ईडब्ल्यूएस वैकेंसी के थ्रू, ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू ट्रेन क्लर्क का सीट उनका क्लियर हो जाएगा। SC ST वाले अनरिजर्व कैटेगरी से 15 से 16 नंबर घटा लेंगे, यानी कि 82-83 नंबर ईडब्ल्यूएस का भी, सॉरी SC ST का भी कटाप जाने वाला है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी रियलिटी हमको स्वीकारना है उसमें कोई ऑफेंड करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और निराश होने की जरूरत नहीं है, आगे अपनी अपकमिंग एग्जाम्स पे फोकस करिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।